अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह आप आइल्स जो एग्जाम होता है उसकी किस तरह घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ना सिर्फ ये कि एडमिशन्स के लिए, बाकी भी बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो सारा आइल्स के बारे में, और उसके लिए जो हमारे स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, वो मोहम्मद कामरान अकरम है। तो वो आज हमें इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह हम आइट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जी कामरान भाई, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आजम। अस्सलाम वालेकुम सबको। और जैसा कि आजम ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और आजम मेरे क्लास फेलो ही हैं। हम दोनों ने इकट्ठे डीवीएम किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। वहाँ से मैंने एमफिल किया माइक्रोबायोलॉजी में और आजकल मैं पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड से ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मुझे शौक था लिटरेचर का, तो मैंने बीए भी कर लिया उसी के दौरान और फिर मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी कर लिया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर कुछ अरसा मैं जीसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद मेरा दिल किया नहीं कि मुझे दोबारा से अपनी फील्ड की तरफ आना चाहिए, तो मैं एग्रो फूड्स फ्राइजलैंड कंपनी है जो है उसमें डेली ट्रेनर चला गया। वहाँ मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। फिर फील्ड में काम करते हुए कुछ फील्ड प्रॉब्लम्स थी, इनको देखते हुए दिल किया कि इनको सॉल्व करना चाहिए या कुछ और आगे पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, तो इस में स्कॉलरशिप पे हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि आइल्स या इंग्लिश क्यों जरूरी है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें इसकी तरफ आना चाहिए। तो जैसे कि हर एक लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है हर मुल्क की अपने लिहाज से, क्योंकि एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इंग्लिश भी इसी तरह इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का। आपने कुछ सीखना है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने किसी के साथ बातचीत करनी है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। इट्स लाइक अ स्किल, तो आपने इसको एक स्किल के तौर पर लेना है, ना कि इसको एक बर्डन लेके। क्योंकि जब भी आइल्स की बात होती है, इंग्लिश बोलने की, लिखने की, सीखने की बात होती है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि पता नहीं बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगी, हमें तो हमारी बहुत वीक है जी वोकैबुलरी, दिस एंड दैट। बहुत सी बातें हमारे जहन में आती हैं, मेरे जहन में भी आती थी, अभी तक आती हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और इसको समझने से ही आपको आएगा, पता चलेगा जी है क्या चीज। अच्छा जी, तो जब हम आयल्स की बात करते हैं तो हमें इसका फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसके मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि आप जो है इसकी मदद से मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई आप जॉब के लिए भी कर सकते हैं, वो अप्लाई आप आगे पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे टॉफल आयल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स जस्ट लाइक दैट। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पाकिस्तान में आता है किसी भी मुल्क का, और वो फैसलाबाद में, लाहौर में, लोकल कम्युनिटी में कहीं काम करना चाहता है, या किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहता है, या किसी यूनिवर्सिटी में चाहे रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो बंदा आए, वो बोलता पॉलिश हो, वो बोलता टर्किश हो, बोलता वो कोई और लैंग्वेज हो और आपके साथ आसानी के साथ रह सके? ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इर्द गिर्द के लोगों से बात करने के लिए हमारी लैंग्वेज को समझना उसे जरूरी है। अदरवाइज वो भी ऐसे ही होगा जैसे हम फॉर एग्जाम्पल चाइना की एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदा गया चाइना और उसको चाइनीज नहीं आती, वो इवन बाजार में जाए कोई चीज खरीदना भी चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। वो इशारों से शायद समझा जा सकता है कि मुझे पीने या खाने की चीज चाहिए, अदरवाइज वो शायद अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये एक स्किल है कि जी देखेंगे आप एक नया स्किल आ गया, अब आप इसकी मदद से नॉलेज भी ले सकते हैं, जॉब भी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको स्किल समझ के, इजी समझ के आपने लेना है, और एक जस्ट अ सोर्स ऑफ मीडियम कम्युनिकेशन का जो है उसको समझ के आपने इसको सीखना है। क्योंकि टॉपिक ये है कि घर बैठे कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर करते हुए आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम करने क्या जा रहे हैं। ओके चलें जी, शुरू में आते हैं जी। ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है ओवरव्यू, हम बात करेंगे कि आयल्स है क्या, इसका फॉर्मेट क्या होता है, मॉड्यूल्स। ओके बाकी अगले 2 पॉइंट में हम बात नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन वट एवर वो आप कहीं से भी कर सकते हैं।
ये तो इस तरह से है कि कोई एजेंडा आपको बता रहा कि हमारे पास करें, या ऐसे नहीं। तो जिस तरह के यहाँ भी बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जो है लोगों की, जो कहीं पे बाहर स्टडी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको देखने के लिए एक टेस्ट बनाया गया, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS। यानी कि क्या वो बंदा इस काबिल भी है कि यहाँ पे आगे हमारे साथ रह सके, हमारे साथ काम कर सके, बेटर कम्युनिकेट कर सके। ये दोनों के लिए फायदा है, जो बंदा बुला रहा है किसी को पढ़ाने के लिए, जॉब देने के लिए, उसके लिए भी आसानी है, जो बंदा जा रहा है उसके लिए भी आसानी है, जो एक नई चीज सीख के और बेटर कम्युनिकेट करने जा रहा है। पार्टनर्स इसके लिए ब्रिटिश काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, IDP। अच्छा जी, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स इसमें दो तरह के होते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है कि जो कि स्टडी से रिलेटेड है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, एकेडेमिया से रिलेटेड है। और जनरल ट्रेनिंग जो है ये वैसे आप कहीं रहने के लिए जा रहे हैं, वहाँ अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है। इनमें थोड़ा सा कह लें कि डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क होगा, जनरल थोड़ा सा आसान होता है, एकेडमिक थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये इसमें जो असलाहत, इसमें जो चीज़ें यूज होती हैं वो एकेडमिया की होती हैं, इसलिए शायद। जब आप टेस्ट दे देते हैं तो 2 साल के लिए वैलिड रहता है, और सब्जेक्ट के लिहाज से इसके ब्रांड जो बैंड स्कोर है वो आपको दिया जाता है, और बैंड होते हैं 1 to 9। 9 तो एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा है, फिर मुझे लेवल में बनाए हुए हैं, 8 पे इसको क्या कहेंगे, 7 पे क्या कहेंगे। लेकिन जो जनरल रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, वो मेरा ख्याल है कि 6.5 to 7 के बीच कहीं आती है एकेडमिक्स के लिए। क्या पता कुछ की ज्यादा भी हो, जो कि डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल में शायद 8 रिक्वायर हो किसी जगह के ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 6.5 एक जनरल क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड भी 6.5 ही है। हम इसको पासिंग फेलिंग नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि इसको इतना आता है। ये भी एक पॉजिटिव साइड है मेरा ख्याल, कि इसको थोड़ा आता है, इसको थोड़ा सा और आता है, इसको बहुत अच्छा आता है, इसको बहुत बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये नहीं कि आते कुछ नहीं है, ABC तो आती है ना हमें। अच्छा जी, बैंड स्कोर को एक्सप्लेन किया गया है, बैंड 9 एक एक्सपर्ट बंदा है, 8 जो है वेरी गुड है, 7 गुड यूजर है, लाइक दिस। तो हम एम कर रहे हैं जी 6, 7, 8, 9 तक इंशाल्लाह। फॉर्मेट बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो तैयारी करते हैं लेकिन उनको एक्चुअल शीट का नहीं पता होता कि आगे पेपर कैसे आएगा। डिपेंड करता है कि आप पेपर बेस्ड पेपर दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए किस टाइप के सवाल आएंगे, कितना टाइम होगा, कैसे उनको टैकल करना है, तभी आप उसकी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो लिसनिंग जो है दोनों में कॉमन है, एकेडमिक में और जनरल में। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, 4 जो है जी इसके पार्ट्स होते हैं। टाइम भी ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स हैं, एकेडमिक रीडिंग के लिए 60 मिनट्स हैं, एकेडमिक राइटिंग के लिए भी 60 मिनट्स हैं, और स्पीकिंग वेरी करता है 11 to 15 इसके बीच में। कुछ स्टैंडर्ड से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हो, बात से बात निकलती है। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल किसी से बात कर रहे हैं तो एक बात की उससे अगली बात चल गई, लेकिन फिर भी उसका एक फॉर्मेट होता है स्पीकिंग का, जस्ट लाइक आप कह लें कन्वर्सेशन इंटरव्यू टाइप, हल्का फुल्का जी। ये हम पेपर बेस्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं, लिसनिंग टेस्ट की। 30 मिनट्स होंगे और 10 मिनट आपको अपने आंसर ट्रांसफर करने का टाइम मिलता है पेपर से आंसर शीट के ऊपर। 40 जो है वो आपके पास क्वेश्चन होंगे, आइटम्स। टेस्ट किस तरह के हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आ सकती है, मैचिंग भी हो सकती है, कुछ डायग्राम्स की लेबलिंग करनी भी हो सकती है, कुछ नोट्स भी आप कंप्लीट करने हो सकते हैं, टेबल कंप्लीट करना है, फ्लो चार्ट है, समरी है, सेंटेंस है, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो आप ये कह लें कि इनको करना कैसे है, तो आपको एक वॉइस ओवर सुनाई देता है, वो कन्वर्सेशन हो सकती है, वो कोई बंदा कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे आपस में कोई जनरल बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, कोई एक बंदा दूसरे से ट्रेन का स्केड्यूल पूछ रहा है, ट्रेन कब आ रही है, कौन सी कब आ रही है, किस वक्त कहाँ पे जा रही है। तो बीच में कोई एक चीज जो है वो पेपर के ऊपर भी आपके पास सेंटेंस लिखे होंगे, या कोई टेबल दिया होगा कि ये ट्रेन इतने बजे आ रही है,
बातों से आपको पता चल रहा है, ये इतने बजे आ रही है आपको पता चल रहा है, और एक जगह मिस होगा कि ये वाली ट्रेन कितने बजे आ रही है, वो आप सुनेंगे कि उसने बताया कि 5:45 व्हाट एवर टाइम कितने बजे आ रही है, तो आपने वो अपनी क्वेश्चन पेपर की शीट के ऊपर ही लिख देना, और बाद में जो आपको एंड पे 10 मिनट मिलते हैं वो सारे जवाब आपने तब ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ लिखते जाएंगे। जी ये जो मैंने बता रहा था कि वही आपके सामने नजर आ रहा है। लिसनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो कह लें जी कन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल सेट इन एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट, दो बातें कर रहे हैं बंदे वैसे ही जनरल, कोई भी मौसम के बारे में हो सकती है, दिन के बारे में हो सकती है, दिन कैसा गुजरा क्या किया जी किस अंदर, तो या फिर कह लें कि मोनोलॉग सेट इन एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक बंदा बोल रहा है कुछ बता रहा है कुछ चीज डिस्क्राइब कर रहा है। फिर ये ऐसे है कि ये इजी से मीडियम और थोड़ा सा टफ की तरफ लाइक ऐसे ट्रेंड नजर आता है चारों ही सेक्शन में, लिसनिंग में भी और बाकियों में भी। या फिर ये हो सकता है कन्वर्सेशन हो रही हो चार लोगों के दरमियान में, वो कि एजुकेशनल बेस हो सकती है, ट्रेनिंग बेस हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है अपने सुपरवाइजर कमेटी के साथ बैठा हुआ है, या 4-5 स्टूडेंट एक सुपरवाइजर के साथ बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक पे बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जी मेटल्स के ऊपर बात हो रही है, और टीचर उनको कुछ समझा रहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, नहीं ये ऐसे है तो कैसे होगा, उन सब में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। आपके सामने पेपर पे चीजें लिखी होंगी, इसमें अहम चीज ये होती है कि आपने फॉलो करना है उसको, उस वॉइस को गौर से सुनना है। वो कैसे आप गौर से सुनेंगे जी, वो प्रैक्टिस से है। आप सबसे पहले तो बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको बार बार सुने, उस एक्चुअल टेस्ट की जो कहते हैं ना वॉइस जो है या जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल होती है, वो जारी बात है डिफरेंट होगी एक्चुअल टेस्ट से, लेकिन सेम टू सेम आपको वैसे ही मिल जाएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपने ज़रा से ज़्यादा चीज़ों को सुनना है। यहाँ पर कुछ लोग मैंने ये भी देखा कहते हैं कि मूवीज देखें हॉलीवुड की और लाइक इस तरह की बहुत सी बातें हैं, तो ये आप अगर तो आपने पहले देख ली है या आपके पास बहुत फ्री टाइम है तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी टिप होगी, अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है बुल्स आई हिट करें, और जो आपके पास एक एक्चुअल रिसोर्स मौजूद है जिस तरह की टेस्ट फॉर्मेट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बाकी चीज़ों को भी सुने। डेफिनेटली अपनी आदत को थोड़ा सा चेंज करें, जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई ड्रामा या इंग्लिश मूवी है उसकी डबिंग मिल जाए उर्दू वाली या सब टाइटल, उसकी बजाय आप इंग्लिश की तरफ ही जाएं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो और साथ सब टाइटल भी इंग्लिश में आ रहा हो, तो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस देखने से सुनने से आपको भी इसका भी फायदा होगा। यानी कि ये कन्वर्सेशन है या कह लें कि एक बंदा ही बोल रहा है, आपने उन चीज़ों को गौर से सुनते हुए जो मिसिंग लिंक्स हैं वो आपने पेपर पे लिखने हैं, कहीं पे कोई टाइम हो सकता है कुछ भी हो सकता है, जिस तरह के पहले मैंने यहाँ पे बताया कि वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, वो कोई टेबल की फॉर्म में भी चीज़ें हो सकती हैं, वो कोई डायग्राम को लेबल करना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम बनी हुई है, दो बंदे बातें कर रहे हैं जी, अच्छा टुडे आई वाज इन अ पार्क एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रीज, दिस ट्री दिस ट्री दिस ट्री एंड दिस ट्री, सो वहां पे लिखा होगा सब कुछ ना कि 4 ट्रीज का नाम लिखे हुए, एक मिसिंग होगा जो उसने एंड पे बोला हुआ, तो आपने वो कम्प्लीट कर देना। इस तरह कोई और बात हो सकती है, तो जहां जहां भी मिसिंग चीज है आपने सुनते सुनते उसको पेपर पे लिख देना। ओके वही जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें वो एक्चुअली टेस्ट क्या करते हैं, आपकी लिसनिंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या आइडियाज को एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उनको ग्रैब कर रहे हैं, और जो ओपिनियन वहां पे दिए जा रहे हैं उनको ग्रैब कर रहे हैं, और एक आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है तो क्या आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं, क्योंकि जब आप उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तब ही आप उसका प्रॉपरली आंसर दे सकते हैं। देन जी है हमारा रीडिंग पार्ट, ये 60 मिनट्स का होता है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ नो ट्रांसफर टाइम, 40 जो है इसमें आइटम्स होते हैं, सेक्शन जो है इसमें 3 है, तो लाइक ये भी ऑलमोस्ट ऐसी है कि ईजी मीडियम और डिफिकल्ट टाइप इस तरह के होंगे, और वर्ड लिमिट भी आपको नज़र आ रही है। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, या कह लें कि आपने मैचिंग करनी हो चीज़ों की कुछ वो भी हो सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकता है, समरी आपने बनानी हो, नोट कंप्लीट करना हो, टेबल कंप्लीट करना हो, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक की जाएगी, उसमें कुछ टिप्स जो हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं।
अब एकेडमिक जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि मैं 100% ही शायद वो कहीं से कोई आर्टिकल का पार्ट होता है, कोई न्यूज़पेपर का पार्ट होता है, किसी ब्लॉग का पार्ट होता है, किसी मैगजीन का पार्ट होता है, किसी बुक का कोई पेजेस होते हैं, और वो हो सकता है कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप उस सब्जेक्ट के हैं ही नहीं, थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स पे बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल के कहाँ कहाँ पे डेली यूज है उसका, तो क्या पता आप कुछ टर्म से आशना ना हो, आपको ना पता हो ये क्या चीजें हैं, या आप का बैकग्राउंड मैथ्स का है और बायोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए, तो वो टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा, यानी उसमें बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि जिससे आपको बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन वो इस लेवल का होगा कि हम उसको एकेडमिक कहेंगे, और उससे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो इंफॉर्मेशन वो चाह रहे हैं वो निकालनी होगी। ओके, जिस तरह के बताया गया है डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल, ये सारे एनालिटिकल टाइप हो सकते हैं, और इसमें ये हम एकेडमिक की बात करते हैं, ये है हमारा जर्नल, इसमें भी तीन सेक्शन हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म का फैक्चुअल टेक्स्ट हो सकता है और वर्क रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, टॉपिक को आप छोड़ें कोई भी हो, लेकिन ये क्या आपने उसको अब करना कैसे है? इसमें मेरे पास मैं कहूँगा कि जो रीडिंग की जो टिप मैं दूंगा, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग एक टेक्निक है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, टाइम महदूद है, तो आपने कैसे जल्दी से उसको पढ़ना है, तो वो आप इसको गूगल कीजिएगा, अब यूट्यूब पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग क्या होती है डिटेल में पढ़े, लेकिन ब्रीफ सा ये कि आप एक तरह से स्कैन कर रहे हैं पेपर को, उस पेज को जल्दी जल्दी, उसमें मोटी मोटी फैक्चुअल चीज़ें क्या हैं, तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए उस वक्त कि आपने डिटेल से उसको समझना है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर, हार्ट फंक्शनिंग के ऊपर, तो आपने ये नहीं कि ये आयोर्टा ये कर रहा है, ये नर्व ये कर रही है, इसको अच्छी तरह समझो, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तब आपने जल्दी से इसको स्किम करना है और स्कैन करना है कि इसमें एक्चुअली बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, और इसमें अगर कोई फिगर्स दी हुई है, कोई डेट्स बताई गई हैं, या कोई पॉइंट जो है वो अहम है, आप उसको, आपके पास लेड पेंसिल होगी, उसको अंडरलाइन करते जाए, हाईलाइट करते जाए कि जी मेरे ख्याल में किसी बंदे का नाम है, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने पहली बार काम किया और उसने इस साल में डिस्कवर की, तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन हाईलाइट करते जाए, ताकि जब आप अपना आंसर बाद में दें, या आप शॉर्ट आंसर का जवाब दें, मल्टीपल चॉइस व्हाट एवर टाइप इज, तो आपको आसानी हो फौरन उस चीज तक पहुंचने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, जर्नल आइडिया या कोई बहुत एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पे चेक नहीं होती, यहाँ पे रीडिंग स्किल्स ही आपके चेक हो रहे होते हैं। ओके, देन हम आते हैं ये राइटिंग की तरफ, राइटिंग भी आपके पास पूरे 60 मिनट हैं। अच्छा, याद आ गया मुझे यहाँ से कि आपको जब आप जाते हैं टेस्ट के लिए, तो आपके पास कोई क्या लेंगे टाइम नहीं होता उठने का कि जी मैं ब्रेक ले रही, सॉरी मुझे प्यास बहुत लगी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, पानी तो अपने साथ बॉटल भी ले जा सकते हैं लेबल के बगैर, लेकिन वॉशरूम वगैरह आप पहले चले जाएं, ताकि आपका वो टाइम वेस्ट हो, टेस्ट नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा, तो आपने पहले तैयार होके पूरा जाना कि हाँ जी आई एम रेडी, फुली एनर्जी पूरी लेके जाएं, पहले खा पी के जाएं, और वहाँ पे बैठ के पता नहीं आप चॉकलेट वगैरह कुछ खा सकते हैं, आई डोंट नो। ओके, मुझे याद नहीं है। अच्छा, राइटिंग टेस्ट में क्या है जी, यहाँ पे दो टास्क हैं, और एक जो टास्क है वो है ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स का, और एक होता है 250 वर्ड्स का। तो जो पहला टास्क है वो ऑलमोस्ट एक कंपैरिजन टाइप होता है कि आपको कोई टेबल दे दिया गया है, कोई ग्राफ दे दिया गया है, कोई चार्ट दे दिया, कोई डायग्राम, वट एवर आपको कोई चीज दे दी गई है, कोई शक्ल, कुछ भी आपके सामने एक चीज है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है, उसमें कुछ डाटा दिया गया होगा, उसमें कुछ कह लें जी के फैक्ट एंड फिगर्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले लेते हैं जी के किसी भी स्टेट्स में यूएसए की एक साल का डाटा दिया हुआ है कि बर्थ रेट इस मंथ में इतना था, इसमें इतना था, इसमें इतना इतना था, और इसको कंपेयर किया गया किसी और स्टेट के साथ या किसी और कंट्री की स्टेट के साथ, तो आपने उस चीज को, उस ग्राफ को, उस चार्ट को, डायग्राम या टेबल को एक्सप्लेन करना है, और वो वर्ड्स कितने हैं, 150 150 वर्ड में। तो
आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो अहम एक यहाँ पे छोटी सी टिप होती है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखेंगे वो चीज़ है क्या, असल में क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या जा रहा है क्या, आप वहां से शुरू करेंगे कि दिस टेबल डायग्राम ग्राफ शोज दैट। ओके, हर बंदे का अपना एक तरीकाकार होता है लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे उसमें जो मैक्सिमम चीजें हैं वो कौन सी हैं, सबसे ज्यादा जो है वो रेट किस मंथ में था, या सबसे ज्यादा उस डाटा टेबल में क्या चीज है जो हाईलाइट नजर आ रही है आपको, हाईलाइट में होगी नहीं आपको नजर, आपने खुद उसको देखना है। अब उसको बयान करेंगे जी इस मंथ में ऐसे था, फिर आप लोएस्ट वैल्यू कहीं ढूंढने, फिर आप मीडियम वैल्यू, फिर आप रेंज को ढूंढने के शायद ये रेंज थी, ये डाटा ये दिखाना चाह रहा है, यानी आपने उस चीज को डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। कोशिश करके एज सिंपल एज पॉसिबल रहें, बहुत कंप्लेक्स लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप अगर बहुत कंप्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तो आपका मतलब अगर वोकैबुलरी का मसला हो गया, स्पेलिंग का मसला हो गया, स्ट्रक्चर का मसला हो गया, तो वो नेगेटिव हो सकता है पॉइंट। तो रादर देन इसके आप सिंपल सा लिखें, दिस ग्राफ शोज दैट इट शोज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड ड्यू टू दैट मिनिमम वैल्यू ड्यू टू दैट, और उसको डिस्क्राइब कर दें। फिर दूसरा जो है टास्क वो कोई छोटा सा टॉपिक है, आप उसको ऐसे कह लें, आप उसको आर्गुमेंट कह लें, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है किसी भी कह लेंगे प्रॉब्लम के बारे में, आपने इस पर आर्ग्यू करना है, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डेफिनेट येस आर नो कहें, वो कह लें कि फॉर्मल स्टाइल में आप उसको लिखेंगे और अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं उस टॉपिक के बारे में वो डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक ये है कि do video games help students to learn more and do it increase their mental capabilities, yani ke video games jo hai kya wo student ko help karti hain, kya unki mental capabilities badhti hain, kya wo nuksan karti hain, to aap yahan pe yes or no bhi keh sakte hain lekin fir aapne usko describe karna hoga kaise। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं जिसमें शायद आपने ये जहन में रखना कि आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को लें और उसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर लें, नेगेटिव को भी साथ लिखें, फिर एट द एंड कंक्लूड करें, जिससे कि पहला अगर आपका स्ट्रक्चर होता है ना कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिटेल्स, मिडल पार्ट, आर्गूमेंट्स, देन कंक्लूजन, ऐसे ही आपने उसको लिखना है टॉपिक को। आप शुरू कर सकते हैं जी हाँ जी के वीडियो गेम्स जो हैं वो टाइम भी ज़ाया करती हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ होती है, मुख्तलिफ टाइप्स की आप बता सकते हैं कि वीडियो गेम्स होती हैं, और कुछ जो है आपको सिखाती हैं, कुछ जस्ट टाइम वेस्ट हैं, देन आप उसको आगे थोड़ा डिस्क्राइब करें कि बच्चों के लिए किस लेवल पे कौन सी होनी चाहिए और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं उनके, और फिर बाद में से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और एट दिन उसको कंक्लूड कर दें कि जिस लाइक डबल एज वेपन के नुकसान भी है फ़ायदा भी है। ये एक एग्जांपल मैंने दी है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है टॉपिक, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी पार्क के बारे में हो सकता है जी कि एक पार्क है, और आप जी या हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात हो सकती है, व्हाटएवर टॉपिक इज, बस आपने ये देखना है कि आपने उसके ऊपर आर्गुमेंट्स बिल्ड करने हैं वो सिंपल हों और कंसाइज हों, और बहुत बम्बास्टिक लैंग्वेज ना यूज़ करें, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही दिस इज चेयर इट हैज टू लेग्स वाली बात भी नहीं है, मतलब आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है और लैंग्वेज को ठीक रखते हुए लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। ये भी देखा जाता है कि जो टॉपिक है उसके अंदर ही रहना है, उसे बाहर नहीं जाना। ओके, ये जनरल राइटिंग के मतलब है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। तो उसमें स्किल्स क्या टेस्ट की जा रही हैं आपकी राइटिंग टेस्ट में, कि आपका कंटेंट कैसा है जो आपने लिखा है, वो लॉजिकल है क्या, ये बहुत ज़रूरी है लॉजिकल हो, टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा हो, जो आपने आइडियाज प्रेजेंट किए हैं उनमें लिंकेज है क्या, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये बहुत ज़रूरी है, उनकी एक्यूरेसी देखी जाती है, वोकैबुलरी डेफिनेटली और ग्रामर ये तो अहम है ही है, और वोकैबुलरी और ग्रामर इसको कैसे ठीक करना है, जनरल इंग्लिश की जो टिप्स हैं वही यहाँ पे काम आती हैं। रेनन मार्टन की बुक ले लें, उसको पढ़ लें, कुछ आप ऑनलाइन कुछ, अब तो आजकल राइटिंग और इसके ऊपर बहुत से कह लें कि रिसोर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे फायदा ले सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ओके, फोर्थ वन, स्पीकिंग टेस्ट।
ये इतना ही होता है 10 से 15 मिनट का, 11 से 14 मिनट का तकरीबन। तो फेस टू फेस इंटरव्यू है, और इसका जो है ये भी हो सकता है कि ये सेम डे के ऊपर है जिस दिन आपके बाकी तीनों पार्ट्स हैं, उस दिन भी हो सकता है, और एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है। ये इसका मतलब कि जो इसकी तरतीब है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसके आस पास ही होगा या उसी दिन होगा। तो पार्ट वन में क्या है, इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू। कि सबसे पहले तो आपसे वो आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह मांग के वो आपसे पूछेगा, और फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कह लेंगे जी जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर ये क्वेश्चन हो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का, तो ये तो कह लेंगे छक्का है, तो आपने छक्का लगाना है यहाँ पे। आपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा तैयार करके उसकी बार 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 प्रैक्टिस करनी है, अपने दोस्तों को सुनाना है, घर वालों से कहना है, जहाँ भी हो सके आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और मशवरा लेना है कि कहाँ पे गलती तो नहीं है। यानी कि आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई हैव स्टडीड दैट, और उसके बाद फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, दैट्स माई प्रोफेशन, और आप उसकी बात भी बात कर सकते हैं, और कोई एक जुमला थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपने एरिया के बारे में, जैसा भी इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में चाहते हैं बना सकते हैं। लेकिन वो लाइक इसमें थोड़ा सा हुक है, एक हुक इस तरह से कि आप उसमें कोई एड दी यानी ऐसा सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि जो सामने आपके बंदा बैठा है उसके लिए इंटरेस्टिंग है, वो वहां से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बात की जी मैं लाहौर से हूँ, और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा, यहाँ से पढ़ा हूँ, पर एट दी एंड आप ये कह देंगे लाहौर इज फेमस फॉर दिस थिंग, एनी थिंग जो आपको लगता है, जिस पे आपकी कमांड है, या जिसको आपको लगता है कि आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बंदा जो इंटरव्यू है वो आपसे वो वाओ सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि उसी के किसी एक्सपेक्ट के बारे में जो आपने यहाँ पर अपना जुमला खत्म किया था। बट इट्स नॉट ऑलवेज, बट इट्स अ गुड ट्रिक। तो उसके बाद क्या होता है, जब इंट्रोडक्शन और ये वाला पार्ट हो जाता है, तो फिर अगला सेकंड पार्ट आता है जो 3 से 4 मिनट का है। उसमें आपको एक टास्क कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर एक टॉपिक होता है और उस कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, सब क्वेश्चंस। तो आपने आपको 1 मिनट दिया जाता है पहले, यानी कि आप उसके ऊपर अपने पॉइंट्स लिख लें, कोई टॉपिक है छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर है जी के डू यू हैव एवर ट्राइड एनी फॉरेन फूड, where you eat that, with whom you were, यानी क्या आपने कोई भी किसी और मुल्क की आपने कोई डिश खाई है, कुछ खाया पिया आपने कभी, और आपने कहाँ पे खाई थी, और किन के साथ थे आप, आपको कैसे लगा उसका। तो आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं कार्ड के ऊपर के जी ये जी हाँ जी मैंने ये खाया, फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा ही लिख लें, पिज्ज़ा वैसे इसको पिज्ज़ा। तो उसके बाद मैंने इस रेस्टोरेंट में खाया, बहुत अच्छा था, और उसकी कुछ क्वालिटीज के ये इंग्रेडिएंट्स से अपना एक्सपीरियंस के बारे में। ये सिर्फ हिंट्स हैं जो आपके पास ही रहेंगे, फिर अगला जो है आपको मौका दिया जाएगा बोलने का 1 से 2 मिनट का। तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे उसी टॉपिक को जो आपने अपने हिंट्स लिखे होंगे, इसलिए इस 1 मिनट में जल्दी जल्दी जो जो आपके जहन में आ रहा है 3-4 पॉइंट लिख लें ऑर्गेनाइज करके, यानी पहले मैंने ये बोलना है, फिर मैंने ये बोलना है, फिर मैंने ये बोलना है, और फिर उस 2 मिनट में आप 1 से 2 मिनट में उसको बोल दें। फिर एग्जामिनर उसी टॉपिक के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपके दिन में एक स्केच पहले बना हुआ है, आपने सोच लिया हुआ है, बस रेडी रहें, ये बंदा आपसे पूछेगा, और वो जी आई थिंक इट विल बी वेरी इजी देन। तो इसका क्या तरीका का है स्पीकिंग टेस्ट का, कि आप जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने दोस्तों से बातचीत करना होगी, अपने बहन भाइयों से बातचीत करना होगी, अपने टीचर से टाइम लें, आप घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते, कोई भी नहीं है अभी आपके पास, तो उसके लिए कुछ ऐप्स मौजूद हैं, वो जो ऐप्स जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। उसमें आपके साथ गूगल ही बात कर सकता है, वो ऐप जो है वो आपके साथ कंप्यूटर ही बात कर सकता है, वो ऐप ही आपसे बात कर सकती है। तो दिस इज ऑल। इसमें कौन सी स्किल्स असेस होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपका ओपिनियन, आपका इंफॉर्मेशन देने का स्टाइल, और क्या आप रेंज ऑफ क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो क्या आप एक अप्रोप्रिएट लेंथ जो है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, और जो आपको टॉपिक दिया गया कि आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, वो टॉपिक कैसा भी हो। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, ऐप नेम वो मैं आपको बता देता हूँ बाद में।
जी यहाँ पे क्राइटेरिया, यहाँ का आपकी वोकैबुलरी जो है वो उसकी रेंज चेक की जाती है, ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, तो वोकैबुलरी रेंज और फ्लुएंसी देखी जाती है। तो फ्लुएंसी मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जब आप बात करें तो आप अटके नहीं उसमें, आप एक पहले पॉइंट्स लिख चुके हैं, तो आप उसका फ्लो बना लें कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट। उसमें बहुत ज़्यादा पॉज लेने की ज़रूरत नहीं है, टोन को अपनी को बड़ा नॉर्मल रखें, बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं, जो नॉर्मल जिस तरह से आप बात करते हैं वैसे ही बोलें। वोकैबुलरी रेंज जो है डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप टू द पॉइंट रेलिवेंट और अच्छे वर्ड्स का चुनाव करें, लेकिन वो बहुत ऐसे मुश्किल वर्ड्स ना हो कि आप प्रॉपर प्रोनाउंस ना कर सकें, लेकिन यह कि वो एक अच्छी रेंज में आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वर्ड नहीं यूज करने, ग्रामेटिकली रेंज एक्यूरेसी में इसमें ग्रामेटिकल तो इसको कहूँगा कि स्ट्रक्चर पे इस पर बात की गई है, स्ट्रक्चर ठीक हो सेंटेंस का। बाकी आपने इसमें डरना नहीं है, ये बिल्कुल एक कहेंगे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने बुक नेम का पूछा है, तो रैनन मार्टन की है एक बुक इंग्लिश ग्रामर की, रैनन मार्टन इंग्लिश बुक लिखे हैं तो PDF में मौजूद है, WREN and MARTIN। इसके अलावा और बहुत सी बुक्स मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मैं मुझे अच्छी लगती है, शायद मेरी पर्सनल चॉइस में पढ़ाता रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वाई। ओके सो फर्स्ट चॉइस को हम छोड़ते हैं, हम अगली में अब शेयर करूँगा अपनी स्लाइड छोटी सी। ओके अगेन, अच्छे जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक मेरी स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा है तो आइल्स लिज के नाम से, इस मैं कहता हूँ कि ये वंडरफुल 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 एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, आपको सारी टेस्ट की इंफॉर्मेशन और बकायदा पार्ट्स में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी, टॉपिक्स, हर चीज आपको मिल जाएगी। वीडियोज जहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे एक्चुअली जो शीट होती है वो पड़ी हुई है, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज टिप्स एंड ट्रिक्स के वो पड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक वेबसाइट से गो थ्रू हो लें, अच्छी तरह से उसको पढ़ लें घर बैठे आराम से, तब इजीली 7, 8, 9 तक आप जा सकते हैं। दूसरा जो है ये बहुत अहम है, इसको आप अच्छी तरह एक्सप्लोर करें, आप जाएं अपने ब्राउजर में आइल्स लिज लिखें, आपको यही मोहतरमा जो है नजर आएंगी लिज, तो इन्होंने जो है सारी प्रिपेयर किया और इट्स वंडरफुल, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे जो आप थोड़ा वन स्टेप अहेड जाएं तो आप इनके साथ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा कह लें कि आपको ज़रूरत होगी पे करने की, तो मेरा ख्याल उसको छोड़ें, लेकिन आप इन सब को गो थ्रू हो जाएं तमाम चीज़ों को। देन दूसरा जो है ये एक चैनल है, इसके ऊपर भी कुछ वीडियो तो कुछ मौजूद हैं, रिव्यूज एंड इंटरव्यूज, पहले नाम था थिंक सीक एंड लर्न, ये आपको नज़र आ रहा है थिंक सीक लर्न, इसको यूट्यूब पर सर्च कर लें, और यहाँ पे कुछ टिप्स, कुछ स्कॉलरशिप के ऊपर मैं उर्दू लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वोकैबुलरी के बारे में भी, एक वो जो ऐप की आपने बात पूछी थी, ऐप की वीडियो भी इसी के ऊपर ही पढ़ी हुई है, और इसका नाम है थिंक सीक लर्न, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो एक ऐप का भी बता देता हूँ, इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, तो और साथ ही आपको सिमिलर ऐप्स नज़र आ रही हैं इंग्लिश स्पीकिंग, अब मुझे ये अच्छी लगती है ऐप वाली, आप इसको डाउनलोड करें, इसमें आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि कैटेगरी में ट्रिप्स और वेकेशन हैं, ईटिंग रिलेटेड टॉपिक्स हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के मतलब टॉपिक्स हैं, टॉकिंग अबाउट किड्स है, उसके अंदर भी आई कैटेगरीज बनी हुई हैं, उसके अंदर फिर कन्वर्सेशन है, होता है क्या इसमें कि आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो नज़र आ रहा है आपको कि मैंने इंस्टॉल की है, इंस्टॉल ना, तो क्या होगा कि आप एक कन्वर्सेशन को पहले सुनेंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे डेफिनेटली, आपके सामने पहला बंदा जो है उसका नाम भी आ रहा है, वर्ड्स भी आ रहे हैं, दूसरा बंदा भी आ रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं, यानी आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये उस इतनी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है, वो आपको बुक्स से और कह लें कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो बुक्स कौन सी हैं, वो ब्रिटिश काउंसिल की हैं होती हैं, उसके ऊपर आज़म भाई आपको बताएंगे कौन सी ज़्यादा बेहतर रहती है, वो एक रेंज है बुक्स की, आप 2-3 ले लें। उसके अलावा ये है ज़्यादा आपकी स्पीकिंग के लिए, तो आप करेंगे एक टॉपिक को डाउनलोड करेंगे, इसमें ऑडियो मौजूद है, इसको सुनेंगे, फिर आप उसको खुद बोलेंगे, बोलेंगे कैसे जी, आप रिकॉर्ड का बटन मौजूद है, आप दो बंदे बातें कर रहे हैं, पहली बार आप एक बंदा बन जाएं और दूसरा बंदा बोलेगा और आपके वाले सेंटेंस जो हैं वो खाली होंगे, वो आपने खुद बोल लें, फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू मार्टिन, तो अब मार्टिन आप बने हुए हैं, आप कहें आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू, तो आप उसको सुन के बोलेंगे, आपके वाला पार्ट खाली होगा, आपने खुद बोलना होगा, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे बोलने की, स्पीकिंग की,
और वो रिकॉर्ड होता जाएगा। आपने क्या करना है कि पहली बार उसको सुनना है और दूसरी बार उसको बोल के रिकॉर्ड करना है, तीसरी बार फिर आपने खुद दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना है, फिर आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं करते जाएं। 2-3 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि जो आपने पहली रिकॉर्डिंग की थी अपनी और आपकी 2 हफ्ते बाद की रिकॉर्डिंग में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा, क्योंकि आप उस एक्सेंट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप कह लें कि मुख्तलिफ रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बात करने के आपके पास मटीरियल होगा, लाइक दैट। तो ये ऐप कैसे काम करती है वो आप इस चैनल पे थिंक सीक लर्न ये वाला लोगो वगैरह है उसके ऊपर बहुत सी स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, सब्सक्राइब कर लें देख लें। और उसके बाद ये जो हमारे पास मौजूद है जी वेबसाइट IELTS वंडरफुल, आई एम फैन ऑफ दैट लेडी। तो जी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच आजम भाई, ओवर टू यू। थैंक यू कामरान भाई। वो अभी मैं तलाल भाई से पूछूंगा कि तलाल भाई अगर तो लाइन पे हैं तो अगर उन्होंने कोई चीज शेयर करनी है। मैंने लास्ट ईयर दिया था ये IELTS का एग्जाम, तो मैंने दोनों एकेडमिक और वो दिए थे, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ राइटिंग का पार्ट डिफरेंट है। बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन है या जो जो सारी बातें आपने अभी एक्सप्लेन की हैं तो आई थिंक इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और चीजें उसी तरह ही हैं। सिर्फ एडवाइस जो मैं इसके ऊपर दे सकता हूँ पार्ट बाय पार्ट, ये होता है कि आप जब भी प्रैक्टिस एग्जाम करें ना, तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं IELTS देने का वो उसको टाइम करके करें। एग्जैक्ट आपके पास आई थिंक 60 मिनट्स होते हैं या कुछ इस तरह का टाइम होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उन बेसिस पे अपनी जो है उनको करें, उसी तरह टाइम करके करें और कोशिश करें कि आप उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसी टाइम के अंदर आप एग्जाम को सॉल्व करें, खासतौर पर जो कॉम्प्रिहेंशन है या राइटिंग पार्ट है। उसका एडवांटेज आपको एग्जाम में होगा क्योंकि आपकी पेस बनी होगी, आपको पता होगा राइटिंग का ना आपके 3 सेक्शंस होते हैं, पहला पार्ट आसान होता है, फिर अगला जो कॉम्प्रिहेंशन का पहला कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आसान होता है, दूसरा उससे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, तीसरा उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ब्रेक डाउन होना चाहिए 15-20-25 मिनट का, इस तरह ही सजेस्ट करते हैं जितने भी लोगों ने टेस्ट किया है कि आप फिर पहले जो उसके क्वेश्चन है 20 वो 15 मिनट में करें, फिर अगला 20 में करें, लास्ट 25 में करें, क्योंकि वो थोड़ा लंबा आर्टिकल होता है और थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करें टाइमिंग करके, ताकि आपकी एक्यूरेसी उसके पर बढ़िया, आपको पता हो कि मैंने प्रेशर सिचुएशन में कैसे एग्जाम देना है, क्योंकि जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ आपके पास टाइम होगा नहीं। दूसरी ऑप्शन ये है कि अब IELTS है पाकिस्तान में भी, मैंने जो लास्ट अपना IELTS का अटेम्प्ट दिया था वो कंप्यूटर पे दिया था, पहले रिटन होती थी ऑप्शन ओनली कि आप सिर्फ वहाँ जाते थे टेस्ट सेंटर में, वो पूरा दिन लगता था, आप सुबह जाते थे लाइनें बनाते थे और फिर जाके वो होता था। अब कंप्यूटर वाला आप 3 दिन बाद की डेट लेकर रजिस्टर करके कंप्यूटर पे जाके सुबह 9 बजे टेस्ट दे दें अपना, और उसी दिन आपका वो स्पीकिंग टेस्ट भी ले लेते हैं, 3 दिन बाद आपके पास आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। तो वो लोग खासतौर पे जो ज्यादा कंफर्टेबल हैं इसके साथ कंप्यूटर पे टेस्ट देने के लिए, वो कंप्यूटर वाली ऑप्शन चूज करें, और जो उस पर कंफर्टेबल है फॉर एग्जाम्पल जिनकी टाइपिंग तेज है वो कंप्यूटर वाली ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, वो एक अच्छा एडवांटेज है। और जो कंफर्टेबल नहीं है, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पेपर वाले एग्जाम देने के लिए, वो उस ऑप्शन पे जाएं। ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन वाली बात। राइटिंग जो है, राइटिंग में भी यही है कि आप उसको टाइम करें, उसमें वेरिएशन है कि जो जनरल वाला होता है जो नॉर्मली लोग इमिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर आपने एक लेटर लिखना होता है, वेयरएज जो दूसरा होता है उसके अंदर आपने एक चार्ट को एक्सप्लेन करना होता है या फिर एक स्टोरी लिखनी होती है। तो उसको भी कोशिश ये करें कि 30-30 मिनट्स में आप डिवाइड करें और आप उसको जितना उसको वेल मैनेज करके लिखें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, आपको पता होगा अलॉन्ग किन चीजों के मैंने लिखना है, क्योंकि वो जेनेरिक ऐसे नहीं होगा, वो आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्टेशन उनकी होगी कि इन इन चीजों के ऊपर, इन इन क्राइटेरिया के ऊपर आपकी राइटिंग का स्टाइल जो हो वो हो। तो वो आप एग्जांपल्स देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे कि जी एक ऐसे सैंपल दिखाएं, सैंपल ऐसे दिखाएं जिसका बैंड 7 हो, बैंड 8 हो, बैंड 7.5 हो, बैंड 9 हो, और राइटिंग ही सबसे मुश्किल होता है जिसके अंदर लाना। मेरे तीनों बैंड 9-9 थे, स्पीकिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में और लिसनिंग में, लेकिन मेरा इसी में बैंड कम था और इसके अंदर 7.5 था। और वो 7.5 भी है कि उसके लिए आप, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई थी राइटिंग की, उसकी वजह से कोर्सेस में स्कोर रिलेटिवली कम था। तो आप उस चीज को देखें, वो एक बड़ी हेल्पफुल होती है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स के स्कोर को देख के आप जज करें कि राइटिंग क्या एक्सपेक्टेशन उनकी होती है। स्पीकिंग के मामले में बेस्ट ये है कि वो इन्होंने, आपने मूवीज की कोई बात की थी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, वो 3 फिल्में से देखने से अंग्रेजी नहीं बंदे की चेंज होगी। सिर्फ उसका बेस्ट ऑप्शन जो कैंडिडेट्स के लिए है वो ये है कि आप जो क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल बड़े बेसिक क्वेश्चंस भी और बड़े रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी एट टाइम होते हैं कि जी आप करंटली क्या करते हैं,
आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो कोई भी टॉपिक पे कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस नहीं बेसिकली कर सकते कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन का बोलने का इस तरह कर सकते हैं कि लेट से कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, फेवरेट डिश बताएं, कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बताएं। आप क्या करें कि आप अपना फोन पकड़िए और एक रिस्पॉन्स आप रिकॉर्ड करें कुछ सेकंड्स का। उन्हें लंबे आंसर्स नहीं चाहिए होते, उन्हें कोई भी क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम 20-30 सेकंड का रिस्पॉन्स चाहिए होता है, दैट्स इट। सिवाय एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको वो 2 मिनट्स देते हैं अपने पॉइंट्स लिखने के लिए और उसके अपने उसके ऊपर आपने कंटिन्यूअस 90 सेकंड्स या 2 मिनट्स बोलना होता है, वो एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। बाकी आप बिल्कुल टू द पॉइंट दें। हमें बोलने की आदत ज्यादा होती है तो हमें होता है कि यार हम सब कुछ बुकै दें, तो उसके अंदर कोशिश करें कि सिर्फ रेलिवेंट कॉन्टेंट आप शेयर करें और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर करें, पूरी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज की प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फोन पकड़ें, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करें और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस आता है उसका रिस्पांस बना के अपनी रिकॉर्डिंग सुने कि आपकी पेस कैसी है, आप ज्यादा आ यू इस तरह की वर्डिंग फिलर वर्ड्स तो नहीं यूज कर रहे, आप रेलेवेंट कोई बात तो नहीं कर रहे, या आप बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर तो नहीं दे रहे। इस तरह की जो थोड़ी प्रैक्टिस है वो आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट तो क्वेश्चन आपको एज ए सेट नहीं आएंगे एक्चुअल टेस्ट में, लेकिन आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर देगी कि मैंने अपनी किस तरह अपना जो स्पीकिंग है उसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। और तीसरी लिसनिंग है। लिसनिंग सबसे ट्रिकी पार्ट होता है क्योंकि लिसनिंग में अगर आप थोड़ा भी जोन आउट होए, आपका ध्यान कहीं और गया, तो आपने अच्छे वाले क्वेश्चन मिस कर दिए और लिसनिंग रिपीट नहीं होती है। इस चीज का ख्याल रखें, आपने बड़ा अपने आप को फोकस्ड रखना है क्योंकि, और वो बोलते स्लो स्पीड पे, ऐसे नहीं है कि आपसे मिस हो। आपसे मिस तब भी होगा कि एग्जाम आप दे रहे हैं और आपको अचानक याद आ गया यार मैंने वो फलाने से मिलने जाना है, फलाने से मिलने जाना है, उतने में आपके 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो लिसनिंग का भी यही है कि लिसनिंग के भी आपको प्रैक्टिस मटेरियल ऑनलाइन बेतहाशा गूगल आप करें, आपको हर किस्म का एग्जाम मिल जाएगा पास पेपर प्रैक्टिस के लिए। आप 4-5 एग्जाम्स लिसनिंग के भी करें, आप ऑडियो क्लिप चलाएं और उसी तरह आप एक गो में पूरा एग्जाम सॉल्व करें उसका लिसनिंग का, तो आपको पता चल जाएगा और एंड पे आपके पास आंसर की होती है, आप चेक भी कर सकते हैं आपने कितने गलत किए हैं। और लिसनिंग सबसे क्रिटिकल होती है क्योंकि लिसनिंग में अगर आपकी एक भी गलती हुई तो आपका 9 नहीं आएगा, आपका 8.5 हो जाएगा। इसी तरह आपकी अगर 3 गलतियां हुई तो 8 हो जाएगा, 5 गलतियां हुई तो 8.5 हो जाएगा, 5 हुई तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह उसमें मार्किंग भी थोड़ी एज कम्पेयर टू बाकी जो सेगमेंट्स हैं उससे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो यही है, बाकी इसके अलावा एक जो इशू आता होता है वो आता होता है रिगार्डिंग एग्जाम एंग्जाइटी। एग्जाम की जो एंग्जाइटी है वो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी कम था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया 8 आया या 7.5 आया, तो जाहिर है उसके अंदर नर्व्स होती हैं, आप परेशान होते हो, आप थोड़ा प्रेशर में भी होते हो, तो वो चीजें होती हैं। जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो वो क्योंकि मैं प्रोसेस से गुजर चुका था, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो इसी तरह होता है नर्व्स के लिए, ये है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आपको पता हो कि मुझे आता है सारा कुछ। एक ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, दूसरा ये है कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप नींद अपनी प्रॉपर करें, सुबह अच्छा नाश्ता करके जाएं, प्रॉपर डाइट रखें ताकि आप मेंटली फ्रेश हो। आप अच्छी प्रॉपर नींद करके आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप मेंटली बड़े फोकस्ड होंगे, आपका बड़ा जो अटेंशन लेवल है वो मच बेटर होगा एज कम्पेयर टू आप रात को सारी रात पढ़ते रहे हो 3 घंटे और अगले दिन आपको कुछ बिल्कुल माइंड, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में माइंड ब्लैंक हो जाता है एकदम अगर आप वेल रेस्टेड नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, उनको वो करें। बाकी जहां तक सामान ले जाने की है, ब्रिटिश काउंसिल बहुत सख्त है इस मामले में, एक पेपर आपको अंदर नहीं ले जाने देगी। ये भाई चॉकलेट की बात कर रहे थे, मैंने कहा वो चॉकलेट दे दें तो बड़े अच्छे लोग होंगे, वो तो कुछ भी नहीं जाने देते। मुझे याद है मैंने एग्जाम दिया था, वो आपकी चेकिंग करते हैं, आपको स्कैनर से पास करते हैं, स्टेशनरी भी वो आपको खुद देंगे, आपको नहीं ले जाने देते। अब उन्होंने प्रोसेस इतना चेंज कर दिया है, वो आपको स्टेशनरी पेंसिल वगैरह अगर आप रिटर्न उस पर दे रहे हैं, पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको सारे एसेंशियल्स खुद देंगे, आपको साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। और कोई प्रैक्टिस मटेरियल आप अंदर नहीं ले जा सकते, कोई कुछ नहीं ले जा सकते। जी 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 ठीक, सॉरी मैं ये कह रहा था कि वो शायद आपको दे दें चॉकलेट ना अगर उनके पास है तो, लेकिन वो देंगे नहीं। देंगे नहीं, अच्छे मूड में अगर हो तो जरूर दे देंगे। वैसे मेरा बड़ा पुराना वास्ता है ब्रिटिश काउंसिल से अपने ओवर ए लेवल्स के एग्जाम में, इतने मेहरबान वो कभी नहीं हुए। आई होप कि आजकल के दौर में वो हो गए हों ऐसे, चॉकलेट दे दें लोगों को, अच्छा दिन गुजर गए। लेकिन ये है कि अभी तक उनका जो है ना स्ट्रिक्टनेस बड़ी ज्यादा रखते हैं। तो ये बेसिक टिप्स हैं जो कि मैंने अपने टाइम भी वो की, और आई एम श्योर कि लोग इनको कंसिडर करें तो वो हो सकता है। बाकी है कि एंड ऑफ द डे लैंग्वेज का एग्जाम है, कोई आपकी एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं है, या आपकी इंटेलिजेंस को गेज नहीं कर रहा या कुछ नहीं गेज कर रहा। नॉर्मली आप देखें कि अगर आप 7 बैंड भी लेके आते हैं ओवरऑल, इट्स गुड इनफ फॉर एनी। हार्वर्ड के लिए भी वो अच्छा है, वो स्टैनफोर्ड के लिए भी अच्छा है 7, क्योंकि 7 का मकसद ये है कि आप बेसिक लेवल आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, कि लोग
बेहतर कम्युनिकेट कर लेते हैं कंपेयर टू बाकी कंट्रीज, हम लोग कर लेते हैं जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उससे बेहतर हमें, मेरे साथ चाइनीज इतने सारे हैं बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी से आते हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल वैसी नहीं है, तो हमें उस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे ये आपकी कॉम्पिटेंसी को नहीं जज कर रहा, ये लैंग्वेज का एक स्किल है और हमें पता है कि इंग्लिश हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, लेकिन प्रैक्टिस वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही है, हर एग्जाम की प्रैक्टिस है, चाहे वो आइल्स हो, टोफल हो, जीआरई हो, सैट हो, जीमैट हो, जो भी एग्जाम है उनकी प्रैक्टिस ही इज द ओनली सॉल्यूशन। तो टाइम दें उसको, डेडिकेटेड टाइम दें और बड़ा डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस करें जो भी लोग प्लान कर रहे हैं उसको देने का। ये नहीं है कि आप रजिस्टर कर दें उसके बाद आप कहें देखी जाएगी, आखिरी दो दिन आप बैठ के पढ़े, नहीं, फिर आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा एटलीस्ट इसको हफ्ता, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप एटलीस्ट इसको 2-3 हफ्ते दें डेली, दिन के 2-3 घंटे आप इसको पढ़ें, एक एग्जाम करें, एक एग्जाम करें, एक एग्जाम करें डेली था, और उसको फिर ट्रबल शूट करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इनशाला अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर के स्कोर आप अच्छा लेके आ सकते हैं। अच्छा मेरे ना मतलब मैं ही सबसे नालायक लगता हूँ आज तो मेरे 2-4 क्वेश्चन है आप दोनों से, मैं पहले मैं लाल भाई से पूछ लेता हूँ। लाल भाई, ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो वो मतलब ओवर टाइम किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली अब हम आइल्स की बात करें तो आइल्स के लिहाज से ही क्वेश्चन है कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो अगर वो रूटीनली करते रहें तो बंदा जो है वो ओवर टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। अच्छा, एक तो ये कि खासतौर पे एक दो चीजें जो वो कर सकते हैं वो ये कि देखें स्टूडेंट्स के पास ना समर ब्रेक आती है 3 महीने की, खासतौर पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह, ये वो साल होते हैं जिसके अंदर उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह भी नहीं करनी होती, ठीक है, तो इस टाइम को वो यूटिलाइज करें। हमारे में ना सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि रीडिंग का कल्चर नहीं है, तो हम बड़ा स्टीरियोटाइप करते हैं कि जो कोई बुक पढ़ता हो तो हम उससे कहते हैं ये कोई किताबी कीड़ा है या ये है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी अगर प्रोफेशनली कोई सबसे बड़ी वीकनेस रही है ना वो यही रही है कि रीडिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं रही, ऐसे बुक्स पढ़ने की आदत नहीं रही। तो स्टूडेंट्स को यही है कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं या अर्ली अभी अपने एकेडमिक उसके अंदर है साइकिल में, उनको चाहिए कि वो मैक्सिमम बुक्स पढ़ें, इंग्लिश बुक्स भी पढ़ें, उर्दू बुक्स भी पढ़ें, मिक्स करें उनको। रीडिंग करना बहुत जरूरी है, उसकी रीजन ये है कि रीडिंग से एक तो ये आपकी पेस बनती है, ठीक है, आपको पता है, दूसरी चीज ये आपकी वोकैबुलरी ऐड होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, कल को उन्होंने जीआरई देना है, जीआरई बड़ा वोकैबुलरी फोकस्ड है, आपको वोकैबुलरी अच्छी आनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी। और आप तीसरी चीज ये रीडिंग, आपकी रीडिंग सेक्शन को तो हेल्प करेगी करेगी, आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को भी करेगी, आपके राइटिंग सेक्शन को भी हेल्प करेगी, तो इट्स अ फुल पैकेज जो है डेली। आप सुबह उठे, सबसे अच्छी चीज जो है आप यहाँ पे आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, टेक्नोलॉजी सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, सुबह उठे एक आर्टिकल पढ़े, और उसको वो कोई इस तरह वाला आर्टिकल नहीं पढ़ने वाला कि जो आप गूगल उस पे जा रहे हैं और आप कोई टैबलॉइड किस्म की न्यूज पढ़ रहे हैं कि फलाने कपल की लड़ाई होगी, ये होगी, आप इंफॉर्मेटिव चीजें पढ़े जाके, उसके ऊपर देखें कि इकोनॉमी क्या कर रही है, वायरस की वजह से क्या स्ट्रगल है, जो एजुकेशन सेक्टर है उसका क्या इम्पैक्ट है, कोई भी ऐसी चीज हो जो थोड़ी वैल्यू एडिशन करे आपके अंदर। सुबह उठे 10 मिनट का आर्टिकल पढ़े, ट्रिब्यून पे जाए, dawn.com पे जाए, या कोई भी ऐसी वेबसाइट पे आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगता है कि जी ये यहाँ पे आर्टिकल्स अच्छे होते हैं वो पढ़ें, नहीं तो आप इंटरनेशनल कोई वेबसाइट, इकोनॉमिस्ट पढ़ लें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें या द गार्डियन पढ़ लें, इस तरह की कई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो पढ़ें। उसके अलावा हमारे पास बड़ा टाइम होता है इन चीजों को, समर ब्रेक हो गई या हम कहीं कम्यूट कर रहे हैं या हमारे पास दिन में ऐसा टाइम होता है, कोशिश करें कि बुक पढ़ने की आदत पढ़ें एज आई मेंशन्ड बिफोर, उससे ये सारी चीजें होंगी। इनडायरेक्टली आप अपनी एकेडमिक्स स्ट्रेंथन कर रहे हैं इसके साथ, और एट द सेम टाइम आप ये है कि अपने ये स्किल्स भी बिल्ड करें, आप देखेंगे नेचुरली आपकी स्पीकिंग पावर काफी काफी बेहतर होगी जस्ट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ रीडिंग अ बुक। एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि मुझे पता है कि ये कल्चरली बड़ा एक स्टीरियोटाइप है और हम लोग बड़ा इसको बुरा मनाते हैं, हम कहते हैं कोई बंदा अंग्रेजी में बात कर रहा है तो यार ये पता नहीं कोई दो नंबर अंग्रेज है या ये कोशिश कर रहा है या वॉनबी है या ये सारा कुछ है, तो आप इन चीजों को डिस्करेज करना चाहिए और इनकरेज ये करना चाहिए, ठीक है आपको उर्दू आनी चाहिए, ये नहीं कि आप अंग्रेजी के पीछे इतना पड़ गए कि वो पीछे उर्दू भूले हुए, नहीं, यू हैव टू कीप अ बैलेंस। कोशिश करें कि आप जो अपना सर्कल है दोस्तों का या कुछ ऐसा है या जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में अगर आप कर सकते हैं ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन उसमें हो उसको एनहेंस कर सकें, या प्रोफेसर कभी स्कूल्स भी बड़ा आजकल तो इनकरेज करते हैं कि जी आप आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश में करें वो करें, जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे कल्चरली ये चीज थोड़ी सी ना अभी एक्सेप्टेबल नहीं है,
थोड़ा सा लोग ऑकवर्ड होते हैं, कतराते हैं कि अच्छा ये करें कि ना करें, और भी बड़े फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं कि यार अच्छा ये है। बाकी ये है कि आप मिरर प्रैक्टिस, उसमें यहाँ पे आपने लिखा मिरर स्पीकिंग इज अ गुड इनिशिएटिव आई वुड से, लेकिन ये है कि हर कोई इस तरह कंफर्टेबल नहीं होता। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो जरूर करें, जो नहीं है वो ये देखें कि अच्छा हाँ यार ठीक है। एवरी नाउ एंड देन अगर आपके साथ सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ आप फील करते हैं कि यार इनकी स्पीकिंग जो है पावर वो काफी फ्लुएंट है, या इनकी वोकैबुलरी अच्छी है, या ये अच्छा मुझे गाइड कर सकते हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ एक सेटिंग करें, उनके साथ एक ब्रीफ वन ऑन वन बड़ी पर्सनलाइज डिस्कशन करें और उनसे अंग्रेजी में बात करें। इस तरह होगा अपने सर्कल में नहीं बात करें लेकिन आप बड़े लिमिटेड लोगों के साथ एक एक्सपोजर करें ताकि आपको पता हो कि आपकी वीकनेस और उसके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। वो आपको बड़ा हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ वो वन ऑन वन में आप कंफर्टेबल भी होंगे उस बंदे के साथ बोलने में, और वो आपको बड़ी ऑथेंटिक या जेन्युइन क्रिटिक भी देगा कि नहीं आपकी वीकनेस ये है, ये आपकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर बोलने में। तो ये कुछ मेजर्स हैं, ये आप कर सकते हैं। और इन सब का फायदा ये है कि कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ वहाँ पे रही है या सबसे बड़ा इंपैक्ट रहता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग रहता है। टेक्निकल स्किल मैटर करते हैं, आप जितने भी होंगे, क्योंकि जाहिर है काम एंड ऑफ द डे टेक्निकल स्किल से चलना है, जुबान से नहीं चलना। तो लेकिन ये है कि दिस इज वन ऑफ द की स्किल्स जो कि इज राइट एट द टॉप। बहुत जरूरी है कि लोगों के पास कम्युनिकेशन की अच्छी वो हो। कल को जब आप ये GRE वाली ऑप्शन देते हैं, कल को आप फुल ब्राइट की ऑप्शन देखते हैं, मास्टर्स की देखते हैं, जॉब भी देखते हैं, जो भी है, आपको बड़ा इम्पैक्ट करेगी आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर। तो ये स्किल बड़ा जरूरी है, और अर्ली ऑन ही अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हैं वो अगर चाहते हैं तो इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम वो अपनी ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगे वो एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में होंगे जहां उनकी बड़ी कमांड होगी ऐसी चीजों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, एज ए मेंशन, टेक्नोलॉजी का दौर है, फ्री रिसोर्सेज है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं, आपने कोई प्रैक्टिस करनी है या कोई भी बुक उठानी है डाउनलोड करें, वो करें, जिस तरह भी आप कन्वीनियंट समझते हैं, हर किस्म का रिसोर्स अवेलेबल है, उसको लेवरेज करें, और आई एम श्योर के इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। कामरान भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी आजम भाई, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, इसमें बड़ी जबरदस्त बात की लाल भाई ने, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा, कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि इस लेवल पे इंटरमीडिएट या FFC में हिचकिचा रहा होता है, थोड़ा शाय होता है, तो आप जो आपके दो चार करीबी दोस्त होते ही हैं, आप फोकस ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप हम बहुत यूज करते हैं, तो आप व्हाट्सएप के दो चार लोगों का ग्रुप बना लें और आप वहाँ पे डेली का आर्टिकल शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे को ओपिनियन पूछें जी आपका क्या ख्याल है, या आप ये कह लेंगे जी इसके ऊपर थोड़ा सा बताना यार बोल के, तुम्हारा इसको जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं, फ्रेंडली मैनर से आप उससे दोस्तों से गपशप लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो आर्टिकल से मेरे पास दिन में आ रही थी, जैसा GRE की तरह वो हेल्प करता है, वो कैबल लेके आता है, तो इवन तो जैसा डॉन की बात हुई, डॉन का एक आर्टिकल जो है एडिटोरियल आप उठा लें अगर हफ्ते में दो तीन बार जब आप कंफर्टेबल हो। तो मेरी प्रैक्टिस ये होती थी, मैंने CSS की तैयारी कर रहा था तब, तो उसकी प्रैक्टिस में ये होती है कि मैं वर्ड्स जो है ना वो जो मुश्किल लगते थे मुझको वो उठा लेता था, उनको लिख लेता था, अपना एक डेडिकेटेड मेरा रजिस्टर था, या कहने की कॉपी बना लें, या आप कंप्यूटर पे काम करते अपनी एक शीट बना लें, वर्ड फाइल बना लें, तो रोजाना उस आर्टिकल में से आप जो वर्ड्स हैं उनको लिख लें जो आपको लग रहा है यार ये मुश्किल है, और हर आर्टिकल में आपको एटलीस्ट 15-20 मिल जाते हैं, मेरे ख्याल है मुझे लगता था कि मुझे 15-20 रोजाना ही नए वर्ड्स मिलते हैं, तो आप गनीमत जाने उन वर्ड्स को, उनका मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढें, उसके सिनोनिम्स ढूंढें, अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढें, उनको भी लिखें, फिर कोशिश करें कि उनको उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में डालने की कोशिश करें, उनसे आप सेंटेंसेस बनाएं या उनको बोल के देखें, या फिर ये हो सकता है कि इस पूरे आर्टिकल के ऊपर जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप छोटा सा अपना ओपिनियन दें 4-5 लाइन, ताकि मैंने ये हासिल किया है इससे, आप उसको लिखेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, अपना ओपिनियन देना है उसके ऊपर आपने, जब आप उसको बोलेंगे या उसके ऊपर आपने अपने बोल का ओपिनियन देना, आपने ग्रुप बनाया हुआ दोस्तों का या आप खुद ही कर रहे हैं अकेले भी, आपने कहा अच्छा ये आर्टिकल ये मैंने पढ़ लिया है सो मुझे मैं समझ गया है, अपने वर्ड्स में मैं ये बता रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है डेली, इट वुड बी अ गुड थिंग। अच्छा पहला क्वेश्चन है कि स्पीकिंग पार्ट 1 के लिए जो मॉडल आंसर्स कहां से मिलेंगे, कामरान भी आप बता दें। अच्छा मॉडल आंसर का मुझे मेरे ख्याल में सॉरी टू इंटरप्ट, वो जो आपने क्या वेबसाइट वो जो लेस की है, लेस आइल्स के नाम से वेबसाइट है, नहीं नहीं वो स्पीकिंग के लिए जिस तरह के इंटरव्यू टाइप होता है ना, इसमें मॉडल मॉडल से मेरा याद है, मेरे ख्याल वो ये पूछने को जो रिपीटेटिव जो तलाल भाई ने बात की कि जिस तरह वो यही होते हैं, आपका अपना होता है या एक
कि मुझे अब समझ नहीं आ रही स्पीकिंग से मरा ये उसी स्पीकिंग को ले रहे हैं या फिर ये लिसनिंग को स्पीकिंग कह रहे हैं. खैर अगर आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यही है कि आप एक अपना इंट्रोडक्शन अच्छा सा तैयार रखें और जनरल बातें हॉबीज के ऊपर भी अपने वर्ड तैयार रखें और उसको किसी चेक भी करवा लें. पहली बात तो यह कि ये टू फ्लुएंट होनी चाहिए और एट द पॉइंट ही आपसे वो ज़हन में चीजें आ रही थी लेकिन आपने पहले प्रैक्टिस उसकी बार बार की हो. जनरल क्वेश्चन या मॉडल आंसर तो नहीं होते, वो आप खुद बनाते हैं. अपना इंट्रोडक्शन बनाएं, आप हैं कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपका मुसर चीजों के बारे में क्या ख्याल है, जो जनरल जनरल सी चीजें हो सकती हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, दिस एंड दैट. तो यही आपके ज़हन में होना चाहिए, उसको किसी से एक्सपर्ट से चेक करवा लें और उसको फिर प्रैक्टिस करें. ये मेरे ख्याल में है. बाकी लाल भाई जैसे आप आई थिंक वो इन्होंने कामरान भाई ने कवर कर दिया है वो सारी जो एसेंशियल बात थी इससे रिलेटेड. ये एक रिसोर्स की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि अगर यूट्यूब पे जाए ना तो यूट्यूब पे एक बड़ी जबरदस्त चीज है, एक चैनल है बड़ा डेडिकेटेड सा और वो बहुत ही हेल्पफुल चैनल है. उसके ऊपर आप गूगल करेंगे कि जी स्पीकिंग आइल्ट्स बैंड 7, स्पीकिंग आइल्ट्स बैंड 6, तो उन्होंने ना सैंपल या प्रैक्टिस वो किए हुए हैं, मॉक के एग्जाम्स ना आपके सामने उन्होंने वो किए हैं और वो सेम आइल्ट्स स्टैंडर्ड के वो हैं क्योंकि वो है ही बेसिकली वो मॉनिटर्ड ही उनके थ्रू है, ब्रिटिश काउंसिल या आइल्ट्स के उसके थ्रू टेस्टिंग के थ्रू. तो वो एक्यूरेट डिपिक्शन है कि किस तरह के क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आपको उसी तरह शो करेंगे कि जी आप प्रॉक्टर बैठा हुआ है या इन्विजिलेटर बैठा है, आप अंदर जाते हैं स्पीकिंग वाले उसके लिए, आप अपना पासपोर्ट देखते हैं, हैंड ओवर करते हैं, वो पासपोर्ट देखता है या आईडी देखता है, फिर वो कुछ नोट्स लिखता है, फिर वो सामने आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं टाइमर ऑन करूंगा, वो टाइमर ऑन करता है, वो सारी रिकॉर्डिंग करता है. तो वो सारी चीजें जो है ना वो एक बड़ा हेल्पफुल रिसोर्स है. यूट्यूब पे जाएं, गूगल करें, इसी तरह आपको कॉम्प्रिहेंशन का भी मिलेगा, इसी तरह उस पर मिलेगा, वो बड़ा हेल्पफुल है रीडिंग के लिए, सॉरी स्पीकिंग के लिए वो बहुत हेल्पफुल था. मैंने वो यूट्यूब की वीडियोज यूज की थी, उससे मुझे काफी अच्छा पता चला था कि बेसिकली क्या पेसिंग होनी चाहिए मेरी, क्या मैंने कॉन्टेक्स्ट किस तरह की वोकैबुलरी यूज करनी है. तो उस चीज को डेफिनेटली जो लोग प्लान कर रहे हैं ना देने के लिए एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं. वैलेंटाइन्स डे. हेलो, अब आ रही है कैमरा? नाइस टू रिकॉग्नाइज. हां जी हां जी, अब आ रही है. बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं वो, ऐसे बहुत सी एक्चुअल टाइम की पड़ी है. हां, ये पूरा एक टेस्ट है, लाइक मॉक टेस्ट. बिल्कुल, जो तलाल भी बता रहे थे ना, पूरा टेस्ट है और आपने कुछ भी नहीं करना. वापस जाए ना तो आप वैसे ही जैसे तलाल पे ने कहा है, गूगल के ऊपर आपने ये लिख देना है स्पीकिंग आइट्स बैंड भी नहीं आगे लिखना, बस ऐसे गो कर दें तो नीचे आपको ना इस तरह की बहुत सारे जो है ना ये देखे सैंपल टेस्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये भी एक पूरा सैंपल टेस्ट है जो बैंड 9 का है. इसके साथ साथ आपको बाकी भी नजर आने शुरू हो जाएंगे. तो देखिए बहुत सारी है वो, पता नहीं वीडियो तो गुम हो गई है, लेकिन ये है कि आप इस तरह के कई जो है ना ये साइड पे आपको लिस्ट भी नजर आ रही है जो मैंने जिक्र किया था ना, अगर थोड़ा नीचे जाए. असल में ये बहुत पॉपुलर बंदी है, मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले आई थिंक जब मैंने टेस्ट दिया, अपना टेस्ट दिया था आइल्स का, तो उस वक्त मैंने एक सिर्फ ना मेरे पास महीना 15 दिन थे आई थिंक, तो मैंने सिर्फ इसी के 2-4 इसकी वेबसाइट पे गया और वहां पे जाके कोई जितने भी इसकी वो क्या बोलती है, इसकी वेबसाइट बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, ये चैनल भी इसका बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाए ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल इसकी वेबसाइट है आइट्स लेस के नाम से, और जैसे वो कामरान भी बता रहे थे ना, ये एक पहला क्वेश्चन है राइटिंग का, तो जिसमें ये टेबल दिया हुआ है और आपने क्या करना है कि वो पूछ रहे हैं कि द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज इन 2002. तो ये आपके पास एक टेबल है और उसके बाद अगर आप देखें तो टिप्स वगैरह भी सारा कुछ दिया हुआ है, और बल्कि ये उसका ये रिस्पॉन्स भी, ये मॉडल आंसर भी दिया हुआ है. So, the table is illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden, Turkey. तो ये सारा उसने देखो, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है ये. अगर आप सिर्फ ना, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, अगर आपने टेस्ट आइल्स जो है ना वो टारगेट किया हुआ है, आप रोजाना आके यहाँ पे सिर्फ ना इसकी वेबसाइट पे 15-20 मिनट या घंटा लगा सकते हैं तो बहुत है. लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, कम्प्रीहेंसिव है, और एक एक जो चीज है ना उसके ऊपर उसने काम किया हुआ है. ये देखें, आइट्स लिसनिंग, राइटिंग, सब कुछ आपको मिल सकता है. आपने क्लिक करना है और नीचे सारी इंफॉर्मेशन, टिप्स. मुझे लगता है हम तो बोलते रहे तो 2-4 साल लग जाएंगे, जितना इसने कंटेंट बीबी ने प्रोड्यूस कर लिया है. ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. एक एक आप देखें, ये पैराफ्रेजिंग, पता नहीं क्या क्या
इसमें आजम भाई यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि जब हम ऐसे बहुत सी चीजें देखते हैं थोड़ा सा अक्सर जो स्टूडेंट है घबरा जाते हैं कि पता नहीं इतना कुछ है। आपने जो कहते हैं कि पहला स्टेप लेना है बारिश का पहला कतरा बन जाए बारिश, तो आप स्टार्ट कर दें। अब ये सिर्फ सोचते रहने से अक्सर ये इसी बारे में नहीं, कोई भी टास्क लेने जिंदगी का अगर आप सोचते ही रहेंगे परेशान होते रहेंगे तो वो नहीं होता। बस आप शुरू कर दें, आप अल्लाह का नाम लेना शुरू करें, हो जाएगा, कोई चीज नहीं है। जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज। आई थिंक कामरान भी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, सेकेंडरी लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल, ये ना जैसे तलाल भाई ने भी बताया, आपने भी बताया कि एक सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट है और कुछ नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल इसकी वर्थ देखी जाए ना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये आपको इतना ऑर्गेनाइज कर देता है प्रोफेशनली। आपने आप बस नियत कर लें कि आपने ये टेस्ट नहीं भी ना अगर अटेम्प्ट करना, आपको जरूरत नहीं भी है, लेकिन मैं इतना इंकरेज करता हूँ कि आप सिर्फ कुछ टाइम निकाल लें और एक दो महीने जो है ना कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे समर आ रहा है तो आप सिर्फ आइल्स के जो चारों सेक्शंस है ना उसको एक दफा प्रिपेयर कर लें। मैं आपको बताऊं लिटरली आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है इसके अंदर अंदर, मतलब आपको राइटिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, आपके पास स्पीकिंग की जो एक एबिलिटी आती है वो इम्प्रूव हो जाती है, समझे। तो आपकी सारी कम्युनिकेशन ही जो है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है चाहे वो मतलब स्पीकिंग कम्युनिकेशन है, वो सारी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये बड़ा मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग एक टेस्ट है इस लिहाज से अपने आप को भी इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है वो